क्लास 6 प्रतिशत पाठ 9 बनाकर देखे 9 का हल करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने स्वयं करो 9.2 का हल किया था। इसमें पहला सवाल है, नीचे दिए गए भाग के परिमाप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल दिए हुए हैं, 6 चित्र हैं। इस चित्र में पहले भाग जो निकालना है कि कितना भाग किया हुआ है, जैसे रंग किया हुआ है हरे रंग का, तो सबसे पहले गिन लेंगे कितने बॉक्सेस हैं। ऐसा सवाल हमने पहले ही बना चुके हैं, इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। गिनेंगे कितने बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब टोटल कितने हो गए, 10 into 10 मतलब 100 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस हैं। और इसमें कितने बॉक्स कलर किया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल 14 बॉक्स को कलर किया गया है, मतलब 100 में से 14 ये भिन्न में बदल गया। अब भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। हमारा सवाल है, 10 से 100 से 100 कट गया, बचा 14%। पहला यहाँ बन गया, दूसरे को यहीं बनाते हैं। दूसरा में क्या है, दो घर है, मतलब टोटल दो घर है। कितना घर रंग किया हुआ है, तो एक रंग, तो भाग क्या बन गया, 1/2। इसको प्रतिशत में बदलना है तो फिर 100 से गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे 50, आ गया 50%। इस तरह इस चित्र का बनाएंगे तीसरा नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 × 5 कितने हो गए, 25। कुल 25 बॉक्सेस हैं। कितना रंग किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ रंग किया हुआ है, मतलब 25, 8/25 भाग। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 25 × 4 = 100 हमारा आ गया 8 × 4 = 32%। अब आ जाते हैं चौथे सवाल में। चौथे सवाल में देखिए, 1, 2, 3, 4 टोटल 4 घर हैं, जिसमें से 3 को रंग किया गया है। इसका प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 × 75 = 75%। इस तरह पांचवे को बनाएंगे तो पांचवा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने घर हैं, 5। कितने घर को रंगा हुआ है, 1, 2 दो घर को रंगा हुआ है। इसका भी 100 से गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में 100, 20 × 40% छठा सवाल, यहाँ गिन लेते हैं घर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कितने घर हैं, 8। कितना रंग किया हुआ है, 2, तो 2 लिख देंगे ऊपर, गुना 100 काट देंगे, तो 2 × 8 4 से काटेंगे तो 25, तो आ गए हमारे 25%। एक नंबर सवाल का हल हो गया। पिछले वीडियो में हम भिन्नों का कैसे प्रतिशत निकालते हैं हमने सीख लिया है। इस वीडियो में हम इस चित्र के सहायता से प्रतिशत निकाल लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में सवाल नंबर 2 नीचे के साधारण भिन्नों का प्रतिशत में व्यक्त करो का हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।